प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे भारत के मशहूर पत्रकार रोहित शर्मा जी को, जिनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया अली खान जी। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। है कि मुख्तार अंसारी के ग्रैंडफादर मोहम्मद उस्मान जो ब्रिगेडियर थे, जो इंडियन आर्मी के ऑनर थे, जिनको लायन ऑफ नौशेरा कहा जाता था, जो महावीर चक्र से सम्मानित किए गए थे, लेकिन अपने दादा अबू पर मुख्तार अंसारी कभी नहीं गया, लेकिन अपने चाचा अबू पर बहुत चला गया, हमीद अंसारी साहब। अब लोग सोचेंगे कि नाज़िया पूर्व उपराष्ट्रपति के लिए ऐसी बात क्यों कह रही है, तो मैं याद दिला देना चाहती हूँ कि 1990 से 1992 तक हमीद अंसारी साहब ईरान की राजधानी तेहरान में भारत के राजदूत बनकर के बैठे हुए थे, और उन्होंने वहां के रॉ एजेंट के को मरवाने की और वहां के रॉ एजेंट को भारत के रॉ एजेंट के साथ बहुत बहुत सौतेला व्यवहार किया था। तेहरान के साथ मिलकर के और ईरान के साथ मिलकर के भारत को डेवेस्टेट और रूइन करने की और डैमेज करने की बहुत कोशिश की थी। और इसकी एक जिंदा मिसाल है कि वहां के जो ब्यूरोक्रेट थे, जो तेहरान में भारत के थे और रॉ एजेंट्स थे, उन्होंने 2017 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को एक चिट्ठी लिखी थी कि हमीद अंसारी साहब के ऊपर एक जांच एजेंसी बैठनी चाहिए, और उन्होंने 1990 से 1992 तक में तेहरान और ईरान के साथ मिलकर के भारत के जो खुफिया राजों को उन लोगों को दिया है, उस पर जांच होनी चाहिए। और आपको याद होगा कि इतना कुछ होने के बावजूद भी कांग्रेस ने उनको, हमीद अंसारी साहब को 10 साल उपराष्ट्रपति बना करके रखा था। और जैसे ही 2017 के बाद ये बातें खुल करके भारतवासियों के सामने खुल करके आई, वैसे ही अलग अलग टीवी चैनलों पर बैठ करके हमीद अंसारी साहब ये बोलना स्टार्ट कर दिए कि अरे भाई भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, अरे भाई भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। तो ये जो हमने मुख्तार अंसारी के जनाजे के नमाज में लोगों का सैलाब देखा है, ये तो नया नहीं है, मैं तो शौक नहीं हो रही हूँ, पता नहीं लोग क्यों शौक हो रहे हैं। याकूब मेमन के जनाजे की नमाज में मुसलमानों का सैलाब था, उसके बाद फिर बुरहान के जनाजे की नमाज में कश्मीर में मुसलमानों का सैलाब था, यहाँ तक कि आपको मैं याद दिला दूं कि पश्चिम बंगाल और बिहार और यूपी से भी मुसलमान गए थे बुरहान के जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए, याद दिला देती हूँ। बाद फिर ये कि उसामा बिन लादेन के जनाजे कहाँ मरब और कहाँ पानी में उसको डुबाया गया, और उसके जनाजे की नमाज अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार के नेतृत्व में कश्मीर में हुई, और उसमें भी पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश और बिहार और झारखंड के मुसलमान गए थे नमाज पढ़ने के लिए कश्मीर। मस्जिद बनाने के लिए सरकार पैसा देगी, लेकिन आतंकियों के जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाएंगे, तो मेरे लिए ये शॉकिंग नहीं। हाँ, भारत के सनातनियों के लिए फिर से वो नए नवेले हो रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आता है कि पता नहीं सनातनियों की आंख कब खुलेगी। इसमें नया नवेला क्या, अभी हालिया में देखिए आप बदायूं में जावेद और साजिद ने दो मासूम बच्चों की बोटियां की, उसके बाद फिर उसका कच्चा गोश्त दांत से काटा उसके मरे हुए बॉडी का, उसके बाद फिर उसके खून को अपने चेहरे पर लगाया। लेकिन बदायूं के मुसलमानों से जब पब्लिक रिएक्शन लिया गया तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला नहीं वो तो जिहाद के नाम पे किया है, तो इतने बड़े अफजल महीने रमजान में जिहाद के नाम पर किया है। तो आप मुख्तार अंसारी के ऊपर पब्लिक रिएक्शन देखिए, वो लोग साफ कह रहे हैं कि जहर देख करके मारा गया। अरे भाई कोर्ट का दरवाजा खुला है, जाओ ना पुष्टिकरण करा लो ना, उसके बाद कोर्ट में गए हैं, उनके बेटे गए हैं। क्या आप ये कह रही हैं, मतलब नहीं था, क्या आप ये कह रही हैं कि नहीं मारा गया, क्योंकि योगी गवर्नमेंट की ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, इन्होंने कई मतलब इनके उसमें कई गाड़ियां पलटी हैं, कई को सड़क चलते हुए गोली सिर पे मारी गई, तो क्या आपको योगी आदित्यनाथ जी का मर्डर करने का कोशिश किया था, वो फाइल तो अभी खुली ही नहीं है, उस फाइल की तो अभी पुष्टिकरण हुई ही नहीं है। मुख्तार अंसारी ने कितनी हिंदू माँ बेटियों का बलात्कार करवाया है, कितना वो किडनैपिंग करवाया है, कितना मोलेस्टेशन करवाया है, कितने लोगों को तलवार से काटा है, इवन योगी आदित्यनाथ जी को मर्डर करने की पूरी साजिश जाल बिछा करके रखा था मुख्तार अंसारी, जेल के अंदर से उसका माफिया चलता था,
उसका गैंगस्टर का काम जो है वो जेल के अंदर से चलता था, जेल तो उसके लिए जेल था नहीं, तो ये सारी फाइलें खुलनी बाकी है। अब उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट को ऐसा लग रहा है कि भाई जरूरत नहीं है कि उसका बेटा जाए जनाजे की नमाज में और मिट्टी डालने के लिए, तो वो चला गया दौड़े दौड़े, वो चला गया सैटरडे वाले दिन सर्वोच्च न्यायपालिका। अब सर्वोच्च न्यायपालिका ने तो भाई इसी देश में अपने टेबल पर संविधान रख करके सर्वोच्च न्यायपालिका ने नुपुर शर्मा को कह दिया कि उनको माफी मांगनी चाहिए, भारत सेक्युलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो नुपुर शर्मा को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन ऑन दी अदर हैंड एमएफ हुसैन को माफी नहीं मांगनी चाहिए, मनोवर फारूकी को माफी मांगनी चाहिए। एक क्रिमिनल के साथ या एक बोलिए फॉर्मर एमपी के साथ ऐसा हो चुका है, यूपी पुलिस मेडिकल करवाने लेके गई थी, पोस्टमार्टम करा के लाई, तो मतलब रिकॉर्ड तो बहुत खराब है इस पुलिस का। हाँ, क्या वो सही बोल रहे हैं कि ये मर्डर हो सकता है? आई डोंट थिंक जुडिशियल कस्टडी में अगर किसी का हार्ट अटैक आया है तो संविधान और कानून आपको इस बात की पूरी इजाजत देता है कि आप उसकी इंक्वायरी करवा सकते हैं, और उनके मुख्तार अंसारी के बेटे के साथ साथ पूरा मुसलमान उस मुख्तार अंसारी के साथ है। भारत में 14% मुस्लिम है, तो भारत का 12% मुसलमान मुख्तार अंसारी के साथ है। और सबसे अच्छी चीज तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि असदुद्दीन अवैसी कैमरा में टीआरपी क्यों कमा रहे हैं, वो तो बैरिस्टर है, काला कोट पहन करके और कोट गाउन पहने और लॉ बैंड लगाएं और सीधा सर्वोच्च न्यायपालिका जाकर के वो खुद क्यों नहीं सबमिशन दे देते हैं? क्योंकि उन्होंने विंटर सेशन में पार्लियामेंट के अंदर कहा था असदुद्दीन अवैसी ने कि भाई 20 और मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते तो अफजल गुरु को फांसी नहीं लगती। ये उन्होंने अभी कहा है 2023 के विंटर सेशन में कहा है असदुद्दीन अवैसी ने। तो फिर से उनके पास एक बहुत बड़ा रीजन आया है चमकने के लिए और अपना प्रचार करने के लिए लोकसभा इलेक्शन के वक्त में मुख्तार अंसारी की हत्या हो गई। अरे मैं 72 वर्जिन हूर के पास चला गया, अब जाकर के वहां पर अयाशियां पेलेगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? अयाशियां ही तो करेगा 135 फुट के साथ। लेकिन फिर भी बाजार गर्म करने के लिए अगर असदुद्दीन अवैसी और भारत के 12% मुसलमानों को लगता है कि उसको जहर दे दिया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हो सकता है सारे वकील इतने फेथफुल ना हो, लेकिन असदुद्दीन अवैसी अगर कोर्ट के अंदर जाता है, असदुद्दीन अवैसी अगर इस मुख्तार अंसारी के पक्ष में खड़ा होकर के अपना सबमिशन रखता है, तो मुझे लगता है कि इससे बेटर तो कुछ काम ही नहीं हो सकता है। असदुद्दीन अवैसी कोर्ट चला जाए और कपिल सिब्बल चला जाए, सलमान खुर्शीद साहब चले जाए और अभिषेक मनु सिंह भी तो है ही है, वो तो क्रिमिनल के केसेस देखता ही है, अभिषेक शाहजहां का भी देखा था, तो मुझे लगता है ये चार लोग तो इनफ है मुख्तार अंसारी को इंसाफ दिलाने के लिए। दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाएगा। राइट right, बिल्कुल सही। और एक चीज, मैं बीजेपी का स्पोक पर्सन नहीं हूँ, लेकिन एक बात तो मैं भी मानूंगा कि एक तरफ मुख्तार अंसारी के बेटे की आवाज है या क्लेम है, और मुख्तार अंसारी के कुछ लोगों का क्लेम है कि हत्या की गई थी, एक तरफ योगी जी और उनकी गवर्नमेंट का क्लेम है कि हार्ट अटैक हुआ, क्योंकि योगी जी के पास करोड़ों लोगों का विश्वास हासिल है, इसलिए आई एम फोर्स्ड टू बिलीव कि ये एक मर्डर नहीं था। और साथ में अगर मानना भी है तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि जुडिशियल कस्टडी में किसी को इस तरह से मर्डर नहीं किया जा सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। राइट, जब कांग्रेस की सरकार थी और भाई एक दो साल कांग्रेस की सरकार या एक टर्म नहीं रही है, डेकेड कांग्रेस की सरकार रही है, तो कितने अपोजिशन नेताओं का जुडिशियल कस्टडी में मृत्यु हो गया? नहीं हुआ right. तो अभी कैसे हो सकता है, अभी कैसे पॉसिबल है? right. आप right. हमेशा अपोजिशन जो है ना, मतलब अजीब सा तीर खेल रही है। ईडी जो है वो बीजेपी का है, सीबीआई बीजेपी का है, एनआईए बीजेपी का है, इनकम टैक्स बीजेपी का। भाई तुम्हारी तो सरकार डेकेड थी, तो तुम काम नहीं करने दे रहे थे क्या? उनको करने देते? सही बात। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अली खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जहां पे नाज़िया खान जी ने खुल के बात की और खासकर बात की ओवैसी से लेके मुख्तार अंसारी की। जैसे कि हम जानते हैं कि मुख्तार अंसारी के जनाजे पे हजारों लाखों मोमिन पहुंचे थे, इसके बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।